आप सभी का कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। हमने डायनामिक्स की पिछली वीडियो में चैप्टर 4 के आर्टिकल्स किए थे। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि आप एग्जांपल्स प्लीज़ रीड आउट कर लें। जो भी आपको इश्यूज़ होते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, लेकिन मुझे कोई कमेंट मिला नहीं है। आई होप आपके एग्जांपल सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू होता है या कोई वीडियो बाद में देखता है तो प्लीज़ मुझको अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लैम्डा। कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें लैम्डा दी गिवन है, स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, वो अपनी लेंथ के डबल तक खींचा जा सकता है, एंड इज टाइड टू ए टू फिक्स पॉइंट बिटवीन टू ए पार्ट, और वो दुगनी लंबाई तक खींच के दो पॉइंट्स के बीच में बांध दिया गया है। ए पार्टिकल ऑफ मास एम, और एक पार्टिकल है एम मास का, टाइड टू इट्स मिडल पॉइंट, उसके मिडल पॉइंट में बांध दिया गया है। इज डिसप्लेस्ड अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड रिलीज। वो कह रहा है कि वो जब उसको बांधा गया है तो वो मिड पॉइंट में रख के उसको जो हमारे पास लेंथ है उसके हाफ तक खींच के फिर छोड़ दिया गया है। शो करना है जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है वो इतना है और जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमारी ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है। एक तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालना है और एक हमें क्या निकालना है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें गिवन है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए जो हमारा पार्टिकल है वो दो पॉइंट्स के बीच बंधा हुआ है, ए एंड बी। ठीक है, और यहाँ पे हम जो लेंथ है इसकी लेट कर लेते हैं, जो नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की वो हम ले लेते हैं ए। तो जो ए बी होगा वो 2a हो जाएगा क्योंकि दुगनी तक खींची हुई है। ओ ले लेते हैं इसके बीच का पॉइंट, ओ बी इट्स मिडल पॉइंट। ओ क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और मैं सी ले लेती हूँ, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय टू। ठीक है, जो ओ सी है वो ओ बी बाय टू है क्योंकि यहीं तक ओ पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक खींचा गया है। देखिए जो हमारे पास में लेंथ है, अब ये हमारे पास मिड पॉइंट है लेंथ का, अगर ये टू ए है तो ए ओ, ए ओ और ओ बी हमारे पास क्या हो जाएंगी, ए ए हो जाएंगी। और अगर मैं ओ सी को ओ बी का हाफ लूँ तो क्या बनेगी, 1/2, यानी किसके इक्वल होगी, ओ सी और सी बी के दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है 1/2 की। अब जब मैं ओ से सी पॉइंट तक खींचना उसको शुरू करती हूँ, लेट कर लेती हूँ, लेट एट एनी टाइम किसी भी टाइम टी पर पी बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, पोजिशन ऑफ द बॉडी लगा लो या पार्टिकल कुछ भी, पोजिशन ऑफ द बॉडी ले लेती हूँ और लेट कर लेती हूँ कि ओ पी कितना है हमारे पास में, एक्स है। ठीक है, अब जब मैं ओ से सी पर खींचूँगी स्ट्रिंग इस तरफ खींचेगी, टेंशन क्या जाएगी हमारे पास में, इस तरफ जाएगी, टी टेंशन लेट कर लेती हूँ, लेट टी बी द टेंशन, जो हम लेते हैं टी ले लो या टी वन ले लो, टी वन ले लो क्योंकि हम अभी ये कर रहे हैं ना कि इस तरफ खींच रहे हैं, छोड़ेंगे तो टेंशन हमारे पास में यहाँ पे भी जाएगी। टी वन टेंशन ले लेते हैं जो अलोंग पी है, टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग अलोंग पी ए। देखिए मैंने आपको स्ट्रिंग में बताया था कि जैसे स्ट्रिंग है अगर हम इसको बाहर की तरफ फोर्स देते हैं तो टेंशन क्या जाती है, अंदर की तरफ जाती है। ठीक है ना, तो जब मैं ओ से सी पॉइंट की तरफ बाहर की तरफ खींचूंगी तो टेंशन क्या जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो टेंशन किसके अलोंग जाएगी, पी ए के अलोंग। अब हमारे पास जो टेंशन टी वन है वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्सटेंडेड लेंथ बाय मीन नेचुरल लेंथ जो क्या है, ए है। ये एक्सटेंडेड लेंथ है, ये हमारी कितनी हो जाएगी एक्सटेंडेड लेंथ, ए पी चली जाएगी। ठीक है ना, तो ए पी किसके इक्वल होगी हमारे पास, यहाँ से ए पी, ए पी निकालते हैं अब यहाँ पे। देखिए जो हमारे पास में नेचुरल ए ए बी जो हमारे पास है
ए बी जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच है और वो उसकी दुगनी लेंथ तक स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ए ये है, ए ये है। अगर नेचुरल लेंथ में ए की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगी कि हमारे पास में ओ बी का मिड पॉइंट सी है और ए और ए का मिड पॉइंट कोई भी ले लो, डी ले लो, तो इस सी और डी तो नेचुरल लेंथ हो जाएगी और फिर एंड पॉइंट्स खींचे हुए हैं उसकी, ठीक है ना। तो नेचुरल लेंथ देखिए इस पोर्शन में भी क्या हो जाएगी, हाफ होएगी, इस पोर्शन में भी हाफ होएगी। तो नेचुरल लेंथ जो मेरे पास नीचे जाएगी वो क्या जाएगी, 1/2। अब ए पी निकालनी है। देखिए ए पी किसके इक्वल होगी हमारे पास, ए पी है हमारे पास ए ओ ए प्लस में ओ पी। ओ ए कितनी है, ए, और ओ पी कितनी है, एक्स। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, जो नेचुरल लेंथ वाला, वो देखिए क्या है, जब भी किसी स्ट्रिंग को हम खींचते हैं, ये स्ट्रिंग रखी हुई है, मान लो पी के लेंथ की स्ट्रिंग है, ठीक है, ये उसका मिडल पॉइंट है हमारे पास में, आर लगा लो उसका मिडल पॉइंट है। जब हम इसको खींचेंगे तो साइडों से खींचेंगे, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, तो जब ये हमारे पास स्ट्रेच होगी तो नेचुरल लेंथ, मान लो इसके नेचुरल लेंथ अगर एल है तो इस पोर्शन में भी 1/2 L है और इस पोर्शन में भी 1/2 L है। जब मैं इसको इसकी दुगनी लेंथ तक खींचूंगी तो ये कितना खींचा जा सकता है, 1/2 L, क्योंकि इस पोर्शन में R से आगे वाला जो पोर्शन है उसमें हाफ लेंथ की है, L/2 लेंथ की, और L/2 ही खींची है। सिमिलरली R से हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड ये कितनी है, L/2 खींची है और L/2 ही हमारी एक्सटेंड हुई है। तो टोटल एक्सटेंडेड लेंथ तो क्या हो जाएंगे, दोनों पोर्शन में L हो जाएंगे, नेचुरल लेंथ क्या हो जाएंगे हमारे पास में, PR और RQ जो कितनी है, L/2 एंड L/2। सेम इसमें नेचुरल लेंथ हमारे पास में 1/2 हो जाएगी। और AP की वैल्यू A प्लस एक्स बाई, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा ए प्लस एक्स बाय में क्या हो जाएगी, ए बाय टू, ये आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। जो अब एक्सटेंड जो हमारे पास में ए पी है, ए पी क्या होगी, एक्सटेंडेड लेंथ होगी, जो लेंथ बढ़ चुकी है। ए तो जो हमारे पास में ए पोर्शन है, ए पोर्शन में तो खींची हुई है, उसमें से नेचुरल लेंथ जो ए पोर्शन की है वो मैं माइनस कर दूंगी, तो क्या बनेगा, ए टू प्लस एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास में ये नहीं आएगा बल्कि लैम्डा ए बाई टू प्लस एक्स बाय में ए बाई टू जाएगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ मैं माइनस करना भूल गई कि एक्सटेंडेड लेंथ, ये तो पहले खींची हुई है, इसमें एक्स जुड़ा हुआ है, ये पोर्शन जो एक्स है और ये पोर्शन कितना है, ए है, तो ए प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन नेचुरल लेंथ तो हाफ है ना इसमें, तो नेचुरल लेंथ फिर माइनस करनी पड़ेगी, ये एक्सटेंडेड लेंथ हो गई हमारे पास और उसकी वैल्यू ए बाई टू प्लस एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या हो जाएगी, लैम्डा ए बाई टू प्लस एक्स बाय ए बाई टू। तो टी वन की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, लैम्डा एल से हम लेंगे ए प्लस टू एक्स बाय में ए हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हमारे पास खिंचाव हो चुका है, अब क्या करना है, पार्टिकल ने मूव करना है। देखिए अब क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव करेगा। जब पार्टिकल मूव करेगा तो देखो क्या आ जाएगा, जब पार्टिकल मूव कर रहा है, अब सी पॉइंट से छोड़ दिया, सी पॉइंट की तरफ खींच के जब हम छोड़ेंगे तो पार्टिकल इस तरफ जाएगा। जब पार्टिकल इस तरफ जाएगा तो टेंशन कहाँ जाएगी हमारे पास में, इस पोर्शन में जाएगी टेंशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास टेंशन होगी सेकेंड पार्ट में, टी टू लेट कर लेते हैं, टी टू बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो हमारे पास में ये स्ट्रिंग बनेगी, कौन सी, सी बी स्ट्रिंग, अलोंग सी बी। देखिए टी टू जो टेंशन होगी, लैम्डा एक्सटेंडेड लेंथ लेके चलनी है हमने, बाय में नेचुरल लेंथ। देखिए अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं नेचुरल एक्सटेंडेड लेंथ। देखिए क्या है, पोर्शन जो हमारे पास है वो क्या है, अब जो खिंचाव महसूस होगा वो किस में जाएगा, ओ बी में जाएगा, ठीक है ना। ओ बी लेंथ में जब खिंचाव महसूस होएगा तो देखिए ये पूरी की पूरी कितनी है, ए है, और कितना हमारे पास खींच चुकी है, एक्स खींच चुकी है, तो ये पोर्शन में खिंचाव जाएगा वो कितना जाएगा हमारे पास, एक्सटेंडेड लेंथ क्या हो जाएगी, टी टू इज इक्वल टू लैम्डा। देखिए ए बाय टू, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ है और उसमें से भी एक्स चली गई है, तो एट बाई टू माइनस एक्स बाय में ए बाय टू। देखिए ये चीज़ दोबारा देखिए, यहाँ पे तो क्या था कि हमारे पास में टोटल ए थी, नेचुरल लेंथ ए बाय टू, और उसमें से भी एक्स जो हमारे पास एक्सटेंड जो टेंशन होगी, अब वो किसके अंदर होगी,
पी बी अलोंग सी बी कह लो या अलोंग पी बी कह लो, इस टुकड़े में टेंशन होगी, जिसमें से एक्स तो हमारे पास पहले ही जा चुका, ए बाई टू नेचुरल लेंथ जा चुकी, तो कितनी बच गई, ए बाई टू माइनस ये बन गई। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलूँ अगर, तो क्या होगी, एम, क्योंकि एम मास का दिया है, एम इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स जो अप्लाई होगा, देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया था जितना डिस्टेंस कम होता है फोर्स की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, तो टी टू फोर्स ज़्यादा आएगा, तो क्या हो जाएगी, टी टू माइनस टी वन, यानी कि लैम्डा बुखार हमारे पास में आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, ए माइनस टू एक्स बाई ए, तो लैम्डा ए माइनस टू एक्स बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए ए प्लस टू एक्स, ये बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी, लैम्डा और ये बाय ए कॉमन निकाल दो, ए माइनस टू एक्स माइनस ए माइनस टू एक्स, ये बन गई हमारे पास, तो लैम्डा बाय ए और साथ में क्या हो जाएगी, माइनस फोर एक्स हो जाएगी। यहाँ से डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर क्या बनेगा हमारे पास में, माइनस लैम्डा फोर लैम्डा बाय ए एम इंटू में एक्स, ये बन गया, ठीक है। और हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कि जो हमारे पास में एक्सेलरेशन है वो माइनस म्यू एक्स होता है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या बनेगी, फोर लैम्डा बाय ए एम, तो यहाँ से रूट म्यू क्या बनेगा हमारे पास में, स्केयर रूट फोर लैम्डा बाय में ए एम, यानी कि टू बाहर लैम्डा बाय में ए एम, ये बन गया हमारे पास में रूट म्यू की वैल्यू। अब मुझे टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई बाई रूट म्यू, यानी कि टू पाई बाई टू रूट लैम्डा और ये लैम ए एम ऊपर, टू से टू कैंसिल, यानी कि पाई रूट ए एम बाई लैम्डा, ये हो जाएगी, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है इन्होंने हमारे पास यहाँ से, मैक्सिमम वेलोसिटी, देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आती है हमारे पास, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रूट म्यू ए, रूट म्यू की वैल्यू निकाली थी अभी, टू पाई क्या आई थी हमारे पास में, टू रूट पाई बाई ए एम, टू रूट पाई बाई ए एम और साथ में क्या है हमारे पास में, ए है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास टू और ए से ए कैंसिल, ए बाई में हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी ए बाई में एम, ये बनने की हमारे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई है और हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया है, तो हमने यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करेंगे हम यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लैम्डा, एक एंड है इलास्टिक स्ट्रिंग का हमारे पास जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है, नेचुरल लेंथ ए है, ठीक है, इस टाइड टू ए फिक्स पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक किनारा उसका बांध दिया गया है, दूसरे किनारे पे एम मास का पार्टिकल बांध दिया गया है टेबल के ऊपर ही, जब पार्टिकल को कुछ डिस्टेंस तक खींचा जाए जहाँ पे एक्सटेंशन क्या है बी है और छोड़ दिया जाए, तो हमने करेक्टर ऑफ मोशन देखना और टाइम पीरियड निकालना है। देखिए हमने इसमें अभी किया था जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाला, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में करवाया था, सेम एज इट इज ही चलेगा ये सारा का सारा, ठीक है। देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे हम इसको, सेकंड क्वेश्चन में ये हम कोई ले लेते हैं, ओ हमने मेन पॉइंट ले लिया जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ए एन ए डैश, देखिए ये मैं क्यू बना रही हूँ वो आपको अभी पता चल जाएगा, ये है बी और ये है बी डैश। अब देखिए हमारे पास ना ओ पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया स्ट्रिंग का, ठीक है, ओ ए हमारे पास में स्ट्रिंग है और ए पॉइंट पर हमने मास बांध दिया है, मास को बी पॉइंट तक खींचा है, खींच के मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो मैंने वापस छोड़ा, देखिए जब मैंने मास को ए से बी पर खींचूंगी तो टेंशन कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, और हमारे पास में क्या होएगा, जो पार्टिकल है वो इस तरफ चला जाएगा, जो भी हमारी बॉडी है, जब वो पार्टिकल इस तरफ जाएगा, देखिए ए से बी तो हमारे पास एक्सटेंडेड खींची हुई लेंथ है तो टेंशन काम करेगी, लेकिन ए से ओ पे वो क्या है, रस्सी ढीली है, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में कोई टेंशन नहीं है और जो पार्टिकल है वो इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ जितना ओ ए है उतना ही ओ ए डैश तक, जितनी रस्सी इस तरफ खुली है उस तरफ भी हमारे पास खुली होगी, तो जो पार्टिकल है वो ओ को ओ से
सॉरी ए से ओ पे कवर करता हुआ ए डैश तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जाता रहेगा और ए पॉइंट से फिर इस तरफ ए डैश से इस तरफ बी डैश की तरफ निकल जाएगा, बी डैश पे उसकी वेलोसिटी फिर से जीरो, फिर से वो क्या करेगा ए से बी डैश से ए डैश, ए डैश से फिर ए तक फ्रीली मूव और फिर वहाँ से बी तक ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं, लेट द एंड ओ ऑफ द स्ट्रिंग be fixed and the mass the body जो body ले लेते हैं, let the body of mass m is fixed या मैं कहूँ tied to the end a of the string, string की दूसरे point पर बांध दिया, length हमें given है, length given है and natural length कितनी दी हुई है हमें, ओ ए कितनी है ए है, देखिए जितनी ओ ए है उतनी ही क्या जाएगी ओ ए डैश भी जाएगी। ठीक है, और ए भी हमें एक्सटेंडेड दी हुई है बी, कि ये क्या है हमारे पास में बी एक्सटेंडेड लेंथ होगी। तो अब देखिए जब मैं इसको ए से बी तक खींचूंगी तो लेट कर लेती हूँ किसी भी पॉइंट जो हमारे पास में किसी भी टाइम पे पी पोजिशन है, लेट पी द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर पी पोजिशन हो जाएगी, और लेट कर लेती हूँ ए पी की वैल्यू क्या है मेरे पास में एक्स है। तो जो टेंशन होगी, देखिए जब पार्टिकल को हम इस तरफ खींच रहे हैं तो टेंशन कहाँ जाएगी मेरे पास में इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो लेट कर ले तो टेंशन टी, टी जो है हमारे पास में लेट कर लो टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग अलोंग पी ए लगा लो या पी ओ लगा लो, मतलब डायरेक्शन देनी है बस हमने। तो टेंशन किसके को लगा लैम्डा, एक्सटेंडेड लेंथ कितनी खींची हुई है लेंथ एक्स बाय मिन नेचुरल लेंथ क्या है ए है, ये हमारे पास में टेंशन हो जाएगी। और ओनली फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, ये टेंशन हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी हमारे पास में, क्योंकि हमने करेक्टर ऑफ मोशन भी बताना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लेना पड़ेगा। जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो सिर्फ और सिर्फ किस ना किस में है, टेंशन में। देखिए पार्टिकल का जो मोशन है वो तो ए टू बी जा रहा है, लेकिन जो टेंशन है वो ए टू ए जाएगी, तो क्या हो जाएगी माइनस टी, यानी कि एम डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर माइनस लैम्डा एक्स बाई ए। तो यहाँ से डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस लैम्डा बाई ए एल इंटू में एक्स, ये आ जाएगी मेरे पास, और ए एम इंटू में एक्स। और अगर इसको कंपेयर करूँ मैं विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग इक्वेशन डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, सो म्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगर मैं माइनस म्यू एक्स से ए बाई लैम्डा बाई में ए एम, और यहाँ से रूट लैम्डा क्या हो जाएगी रूट लैम्डा बाई में ए एम। अब हमने जो टाइम पीरियड निकालना है वन ऑसिलेशन का, देखिए टाइम पीरियड क्या निकालना है कि जो पार्टिकल शुरू होता है चलना B से A, A से O, O से A डैश, A डैश से B, फिर B से A डैश, A डैश से O, O से A और A से B, ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम फॉर द वन ऑसिलेशन, एक चक्कर कंप्लीट करना, यानी टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन कौन सा टाइम हो जाएगा, टाइम फ्रॉम B से शुरू कर रहा है तो B से A पे जाएगा, ठीक है ना, जो टाइम बी से ए पे जाएगा फिर ए से क्या जाएगा ओ पे जाएगा, टाइम फ्रॉम ए टू ओ प्लस में टाइम फ्रॉम ओ टू ए डैश, फिर ओ से किस पे जा रहा है ए डैश पे जाएगा, प्लस में टाइम फ्रॉम ए डैश टू बी डैश, जो टाइम होगा वो ए डैश से बी डैश जाएगा। और इसका बार बार हमारे पास में क्या जाएगा, तो डबल टाइम लेना है तो ट्वाइस हो जाएगी हमारे पास आगे। अब देखिए नेचुरल लेंथ जो ओ ए है और ओ ए डैश है वो इक्वल है,
और जितना एक्सटेंड यहाँ हुआ है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन मूव कर रहा है ए पे, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी क्योंकि वो बी से ए पॉइंट की तरफ जाएगा, तो मैं टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी इसकी। ए पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, फ्रीली मूव कर रहा है, ए डैश पे भी मैक्सिमम देगा। यानी मैं कह सकती हूँ ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, कि ये ए हो या ए डैश हो, ये बी है और यह है बी डैश है, तो ए बी और ए डैश, ए बी या ए बी डैश लगा लो, ए डैश बी डैश जो कुछ भी, मतलब ये दोनों पोर्शन क्या हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड हो जाएंगे, इनके ऊपर जो वेलोसिटीज है वो जीरो, बीच वाली पे मैक्सिमम। तो ये पोर्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस, देखिए अब बी टू ए और ए डैश टू बी डैश, बी टू ए और ए डैश टू बी डैश सेम है, तो मैं कह सकती हूँ ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम बी टू, ये हो जाएगा प्लस में ट्वाइस कर सकती हूँ टाइम फ्रॉम ए टू ओ लगा लो या ओ टू ए लगा लो, कुछ भी हमारे पास, क्योंकि देखिए ये दोनों पोर्शन क्या है हमारे पास में, इक्वल है, और जो इनके बीच में जो हमारे पास बॉडी है वो सेम वेलोसिटी से घूमेगी, क्योंकि कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रीली घूमेगी तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी इसके अंदर। अब हमने टाइम निकालना है कौन सा, ए टू ओ और एक ए टू बी। देखिए जो टाइम हमारे पास में पीरियोडिक टाइम होगा वो क्या होगा, पीरियोडिक टाइम टू पाई बाय रूट म्यू, रूट म्यू के वैल्यू पुट कर लेते हैं, टू पाई बाय में ए एम बाय में लैम्डा, ये बन जाएगी। ये क्या होती है हमारे पास में, देखिए बी टू ए, अगर मैं इसकी फाइंड आउट करूँ वैल्यू सिर्फ बी टू ए पे, एक चक्कर लगना है, देखिए शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन मेन पोजिशन शुरू होता है ओ से ए, एक चक्कर ए से सॉरी ए से बी, एक चक्कर बी से ए, दूसरा ए से बी डैश, तीसरा बी डैश से ए, चौथा, यानी कि चार बार मूव करता है, तो अगर एक चक्कर निकाला हो तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड का हाफ, यानी कि टाइम फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगा, वन बाई फोर्टी, यानी कि वन बाई फोर टू पाई रूट ए एम बाई लैम्डा, यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, पाई बाय टू रूट ए एम बाई लैम्डा। अब हमने टाइम निकालना है ए टू ओ, यानी कि टाइम फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए के बीच का टाइम निकालना है, उससे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो होगी वो हमारे कौन सी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि ए और ए डैश के हैं, मेन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और एम्पलीट्यूड हमारे पास में जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो कितना दिया हुआ है, बी, तो ए भी क्या गिवन है, बी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी एट ए और ए डैश, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होएगा, देखिए जो हम टोटल डिस्टेंस अगर लेके चलेंगे वो कितना कवर हो रहा है, ये पूरा का पूरा ए एंड ए, यानी कि टू ए, वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, सॉरी मैक्सिमम, ये तो डिस्टेंस टू ए बाई मैक्सिमम वेलोसिटी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये क्या होती है, रूट म्यू इंटू में एम्पलीट्यूड, रूट म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, पाई बाई में ए एम इंटू बे पी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, रूट पाई बी और यहाँ से ए एम, ये बन जाएगा। अब जो मैंने टाइम टोटल टाइम निकालना है इसके अंदर पुट कर दो, जो टोटल टाइम टी निकालना है, तो टाइम फॉर वन ओसिलेशन, एक ओसिलेशन का टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास में, ट्वाइस ऑफ टाइम, देखिए ये वाला टाइम बी टू ए का ट्वाइस लेना था, बी टू ए का ट्वाइस ले लो, तो टू इंटू पाई बाई टू रूट ए एम बाई में लैम्डा, प्लस में अब हमारे पास में ट्वाइस ऑफ ए टू ए, जो ट्वाइस ऑफ टाइम ए टू ए वो ये है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये टू इंटू में टू ए बाई में रूट लैम्डा बी, और हमारे पास में ए एम का क्या है, स्केयर रूट है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, रूट ए एम बाय लैम्डा बाहर कॉमन निकाल दिया, ठीक है, और साथ में टू कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बनेगा मेरे पास में, पाई प्लस में टू ए बाय में बी, और साथ बस ये बचेगा हमारे पास सोलो, ठीक है, तो यही हमारे पास था टाइम पीरियड था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, एन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ मॉडुलस लैम्डा एंड ऑफ नेचुरल लेंथ एल इज फिक्स टू ए पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। हम उसका एक पॉइंट तो फिक्स कर दिया, दूसरा पॉइंट खींचा गया है, दूसरे पॉइंट पर एम मास का कोई भी पार्टिकल बांध दिया। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, द पार्टिकल इज पुल्ड टू ए डिस्टेंस सच दैट स्ट्रिंग बिकम ट्वाइस, उसकी नेचुरल लेंथ का दुगना खींच जाती है और उस फिर उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो शो करना है कि टाइम, यानी कि टाइम निकालना है। बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है ये, बस वहाँ पे क्या है हमारे पास में, यहाँ पे तो हमें ए भी क्या दिया होता, बी गिवन था और नेचुरल लेंथ एल है ना, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैं थर्ड क्वेश्चन में बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन की फिगर बता देती हूँ आपको। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, बी डैश ए डैश ओ ए एंड बी। अगर ओ ए की लेंथ एल है तो ए बी भी कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ आपने नेट एम्पलीट्यूड बी की बात की थी वहाँ वहाँ क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। बस रिप्लेस बी बाय एल इन क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में जब आप बी को एल से रिप्लेस कर दोगे तो आपका एज इट इज़ थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा थर्ड, अगर आपको नहीं सॉल्व होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मैं आपको इसको सॉल्व करके फिर से बता सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।